बुझे बलौती ना
दिल में शाई रंग दे बुझे बुलंदी ना बुझे बुलंदी ना अल्लाह जी कर बंदगी सिमरत दुख जाए जे सिमरत दुख जाए अल्लाह जी कर बंद जंगल जिन्नावास कंकर चुगने थल वसन कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास रब अल्लाह जी कर बंदगी।
शिव प्रीत करे अकटिंडा अकशिव प्रीत Allah ki kar bandagi.
बंदगी स्मृत दुख जाए स्मृत दुख जाए अल्लाह की कर बंदगी 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 दुख जा अल्लाह दी कर बंदगी बंदे बंदगी इक प्यार बंदे बंदगी इक प्यार साहिब रोश धरो के प्यार कर बंदगी छाड़ में मेरा अल्लाह दी कर बंदगी छाड़ में मेरा हृदय नाम समार सवे कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मेसा जिचर कट मेसा कर बंदे तू बंदगी गुर सेवा ते भगत कमाई तब ईमान सुदेही पाई इस देही को सिमरे दे सो देही भज हर की से भजो गोविंद भूल मत जा भजो गोविंद भूल मत जा मनुष्य जन्म का एहिला अल्लाह दी कर बंदगी मानस जन्म का एहिला हवाए बंदगी अवरुद्ध दर वजूद मरा हवाए बंदगी अवरुद्ध दर वजूद मरा मानस जन्म का एहिला पशु मिले चंगियाइया पशु मिले चंगियाइया खड़ खावे अमृत दे कर बंदे तू बंदगी
मानुष जन्म का एहिला मानुष जन्म दुलंब है होत ना बारंबार जो बन फल पाके पोएंगे रे जो बन फल पाके पोएंगे रे बहरे ना लागे दार अल्लाह दी कर बंदगी रहन गई मत दिन भी जा अल्लाह दी कर बंदगी मानुष जन्म का एहिला जब लग जरा रोग नहीं आया अल्लाह दी कर बंदगी जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल घसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी जब लग बिकल भई नहीं बानी भजले रे मन सारंग पानी अल्लाह दी कर बंदगी अब ना पजस पजस कब भाई अब ना पजस पजस कब भाई अल्लाह दी कर बंदगी अल्लाह दी कर बंदगी कबीर सूता क्या करे कबीर सूता क्या करे बैठा रहो और जाग जानते संगते बिछड़ा जानते संगते बिछड़ा ताही के संग लाग अल्लाह दी कर बंद ओए विरक्त बनारसी ओए विरक्त बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई अगो ही दे जाएगे अगो ही दे जाएगे लम्मा पिया कबीर तिथाई पैरी टुंब उठा लिया तेरी टुंब उठा लिया बोलो राम अल्लाह दी कर बंदगी तेरी टुंब उठा लिया तेरी टुंब उठा लिया बोलो राम बोलो राम सिख समझाई अल्लाह दी कर बंदगी सिख समझाई अल्लाह दी कर बंदगी सिख
दुख समझाई हवाए बंदगी अवरुद्ध दर वजूद मेरा सिख समझाई स्वामी रामानंद कबीर नु समझांदे ते यूं ही दिसदा जिवें हजूर बाणी विच कहंदे ने कबीर मनुख संसार विच क्यों आया है कहंदे ने मनुख जरा सोच तू संसार ते क्यों आया है दुनिया दी हर चीज दे संबंध विच तू सोच रहे ना कोई नवी मशीनरी तेरे सामने आ जाए तू जानना चाहना ये क्यों बनेगी कितों बनेगी किस लिए बनेगी ते हजूर कदने हर चीज दे संबंध विच जानने वाले कदी तू ये सवाल अपने ते भी कीता है भी तू की है कितों है तू कौन है किस लिए आए दुनिया दी हर चीज नू तकन तो बाद तेरा एहो सवाल हुंदे किसे चीज नू दुनिया दी नू देख लै कोई चीज तके तू एहो ही सवाल करना है ये चीज किवें पैदा हुई कितों पैदा हुई ते जे इस नू पैदा कीता गया तां अक्सर क्यों कीता गया हजूर कहंदे ने सवाल कदी अपने ते भी कर सुनो रे तू कवन सुनो रे तू कवन कहां ते आयो तेरे सवाल है तू कौन है कितों आए ते किस लिए आए हजूर जुबानी विच तेरे लिए एक गल आख देने इस धरती में तेरी सिकदारी इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी इस संसार ते तू सिकदार है राजा चौधरी है बाकी सारिया जूना तेरिया सेवक ने पानी हार ने ता कदी सोचिए ही भी क्यों कि तू इसलिए सिकदार है भी तेरे विच बल ज्यादा है कहने नहीं हाथी नालों बल तेरे विच ज्यादा नहीं कहने तू इसलिए सिकदार है भी तू सुंदर है नहीं कहने मोर नालों तू सोना नहीं कहने कि तू इसलिए सिकदार है भी तू सियाना है ते लोगों ने जदों किसे बहुते सियाने दी संज्ञा देनी होवे ते फलाना तां कां वर्गा सियाना बड़ी अजीब गल है तू सिकदार पर जदों तेरी किसे वड्याई दा उदाहरण देना होवे तां जानवरां नाल दित्ता जांदा है तू सिकदार पर जे तेरे दे विच दिल वड्डा होवे ते लोगों नूं इह आखना पैंदा है तां शेर वर्गा दिल रखदा है कहने मतलब शेर का दिल तेरे नालों वड्डा है है तू सिकदार पर जे तेरी आवाज विच रसीला सरीलापन होवे ते लोग आखदे ने कोयल वर्गा मिठा बोलदा है तू सिकदार पर जे तेरी अखां सोहणियां होण ते लोग आखदे ने हरन वर्गियां अखां ने है तू सिकदार पर जदों तेरे विच चाल विच ही चंगापन आ जाए ते लोग आखदे ने हरन वर्गी चाल है बड़ी अजीब गल फिर तेरे विच फजीलत की होई जे हर तेरी फजीलत जड़ी ओ बराबरता रखन लई किसे जानवर नाल ही रखी जानी ता तू सिकदार किस गल हजूर ने एहो गलबाणी विच आखी कहने लगे जे तू आखे मैं चंगे भोजन छक सकना ते कहने तोते नालों चंगा भोजन तू नहीं छक सकदा क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रैश टाणी नाल लगे हुए फल नूं उत्थों ही खा लैंदे तेरे कोल तां बासा हो के आउंदा
जे तू आखे मैं चंगी खुशबू ले सकना ते पवर नालों चंगी खुशबू नहीं तू ले सकदा। तेरे कोल खुशबू ते फुल पहुंचदियां तां बासा हो जांदा पर अजे टाणी दे नाल लगदा हुंदा अजे फुल खिड़दा ही है। सब तो पहली खुशबू पवरा लैंदा। तू सिकदार किस गल दा होया एवं अपने आप विच फुलिया फिरने। मैं सिकदार मैं सिकदार। हजूर मन मीना मार गई पैना मार के कुछ समझा दे। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने भी गल आखी कह लगे हमारे बंदगी अवुर्द दर वजूद मारा। कहने तू बंदगी ले आए ते जे बंदगी ना करे ता तेरे आन तो संसार विच कटिया की पिया सी। जे भला तू ना आउंदो ते दुनिया अंदर की थुड़ जांदा। ते जे तू आ गया है ता तू दुनिया विच केड़ी नवी गल कर विखाई जेड़ी भी तू गल कीती लोगां ने जानवरां नाल जोड़ दित्ती। जे तू तेज दौड़िया ता लोगां ने आख्या घोड़े दी तरह दौड़। जे तू बलवान होया ता लोगां ने आख्या हाथी दी तरह बल रखदा। फिर ओ केड़ी चीज सी जिसने तैनू सिकदार बनाया। भाई सब कहिंदे हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मारा। वगर ना जोके चुनी आमदन ना भूत मारा। कर बंदे तू बंदगी पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे। तेरे नालो गऊ चंगी जेड़ी चीज तू नहीं खांदा जिसनू तू सुट देना अनाज पैदा होए ते तू दाने विच्चों अपने लिए कट लेने ते तूड़ी जेड़ी तेरे काम दी चीज नहीं तू सुट देनी सी गऊ ने आख्या तू मैनू ओह ही दे दे। भोजन तू छक ले मैनू तूड़ी दे दे मैनू एहो परवाह नहीं। हुण तू सोच भी तू अनाज दे बदले विच की दित्ता ते गऊ ने तूड़ी दे बदले विच की दित्ता। तू चौधरी किस गल दा। हजूर कहिंदे ने पशु मिले चंगियाईया। तेरे अंदर ता श्रेष्ठ चीज गई अनाज ते उस अनाज अंदर जाके विष्टा बन गई। पर पशु दे अंदर जानवर दे अंदर गऊ दे अंदर जेड़ी चीज तैनू प्रवान नहीं सी घटिया चीज तूड़ी गई ते ओ दुध बन गया। पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे। पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे। नाम विहूने आदमी नाम विहूने आदमी त्रिग जीवन त्रिग जीवन कर्म करे। अल्लाह दी कर बंदगी कर बंदगी छोड़ मैं मेरा आ बंदगी कर। बंदगी दा अखरी अर्थ कर जावा। बंदगी दा मतलब है उस दे हुक्म विच रहना। बंदगी दा शब्द जेड़ा बने है वो बंदी तो बने है। बंदी किसनू कहिंदे ने कैदी नू ग्रिफत विच आए हुए नू। कहिंदे ने रब दे हुक्म विच रहना ही बंदगी है। बंद लफज तो बंदगी बंदी लफज तो बने रब दे हुक्म विच रहना ही बंदगी। गुरु नानक दी गुरमत जंगलां विच पुट्ठा लटकना नहीं सिखांदी। केड़ा सीधा साधा सिंपल वे
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾ ਸਕਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਨੇ, ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਕੈਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਟਾਹਣੀ ਪੈ ਫਿਰਨੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਬੈਠਣੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਸ ਪੇੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਚਿਆਂ ਚਿਆਂ ਕਰਦੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਜੇ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜੂਏ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਲਿਆਈ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲਿਆਈ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਮਦੂਤ ਮੌਤ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਆ ਪਿੰਜਰੇ ਸੂਆ ਪਿੰਜਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਬਿਲਾਸ, ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹੋਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾ ਦਿਲ ਮੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਦਿਲ ਮੇ ਸਾਈ ਬੁਝੇ ਬਲੰਤੀ
हर बंध की बंदगी बंदगी अल्लाह जी कर बंदगी 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 अल्लाह जी कर बंदगी जिस मरत दुख जाए जिस मरत दुख जाए जिस मरत दुख जाए जिस मरत दुख जाए जिस मरत Allah ki har bandagi.